झारखंड के दिव्यांग जितेंद्र पटेल का नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ है, जिससे पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। चितरपुर प्रखंड के बड़कीलारी निवासी दिव्यांग जितेंद्र पटेल का चयन नेशनल पैरा चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो 3 दिवसीय चैंपियनशिप 22वें पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 11 से 13 नवंबर तक असम गुवाहाटी स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स में आयोजित होना है, जिसमें झारखंड राज्य से 17 दिव्यांग खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बताते चले कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जितेंद्र ने अन्य राज्यों में क्रिकेट, कबड्डी, तैराकी, वॉलीबॉल, डांस समेत अन्य प्रदर्शन कर वाहवाही लूटते हुए राज्य और जिला का नाम रोशन किया। जितेंद्र का कहना है कि अब तक सरकार का ध्यान मेरी तरफ क्यों नहीं गया, यह समझ के परे है। आगे कहा कि सरकार मुझे प्रोत्साहित करे और बेरोजगारी गरीबी से निजात दिलाए, जिसमें मैं अपना सारा ध्यान खेलों पर केंद्रित करते हुए आगे भी राज्य का मान बढ़ाऊंगा। मेरा नाम हुआ जितेंद्र पटेल, लारी निवासी चितरपुर प्रखंड को रहने वाला हूँ, रामगढ़ जिला से है। नेशनल पैरा स्विमिंग में चयन हुआ है मुझे, जो कि रांची से गुवाहाटी के लिए 9 नवंबर को रवाना होऊंगा। जो गुवाहाटी में नेशनल पैरा स्विमिंग चल रही है, 11 से लेकर 14 नवंबर तक चलेगी। स्विमिंग के साथ में मैं कई प्रकार के खिलाड़ी हूँ। झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के फिलहाल में मैं कैप्टन भी हूँ और रग्बी भी खिलाड़ी हूँ, वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ। लेकिन ये 2009 से मैं खेलना चालू किया है, लेकिन आज तक ले मुझे किसी प्रकार के सरकार से लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, जो कि अपनी कैप्टनी में 25 टूर्नामेंट